एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के लिए वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गाँव में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने कपड़े साफ कर रहे थे और कई लोग अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देखकर लगा कि गुरु जी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा, और वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरु जी का प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने पानी लेने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का पानी सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए, तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नीचे के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और अन्य शिष्यों को एक शिक्षा भी दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु कई बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन के समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में दुख और समस्याओं को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।